नमस्कार, स्वागत है आपका बेबाक खबर में। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी। बीजेपी सरकार महिला सुरक्षा के बड़े बड़े दावे तो करती है, लेकिन दिल्ली के निर्भया कांड के बाद भी सरकार नहीं जागी है। आज भी दिल्ली हो या हरियाणा, कहीं भी बेटियां सुरक्षित नहीं है। जीन के सफेदों से अर्तनग्न हालत में एक नाबालिग लड़की का शव बरामद हुआ है, तो ये मामला सामने आया है। बता दें आपको, जीन में नाबालिग का लड़की का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। बता दें आपको, सवाल काफी महत्वपूर्ण है, क्यों प्रदेश में महिलाएं नहीं है सुरक्षित। ये सवाल काफी महत्वपूर्ण है, क्यों अपराधियों को नहीं पुलिस का कोई खौफ। लगातार कई बार ऐसे मामले सामने आते हैं जिनसे सवाल ये उठने लाजमी है कि अपराधियों के आगे बेबस हो गई है पुलिस। क्यों क्राइम कंट्रोल नहीं कर पा रही पुलिस? महिला थाने खोल दिए गए हैं, महिला सुरक्षा को सुचारू करने के लिए महिला थानों की तादाद बढ़ाई गई है, संख्या बढ़ाई गई, उसके बावजूद भी महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि क्या वाकई में प्रदेश में महिलाएं महफूज हैं, क्या अपराधियों के आगे बेबस हो गई है पुलिस। सवाल काफी महत्वपूर्ण है, जनता टीवी ये सवाल उठा रहा है, क्यों क्राइम कंट्रोल नहीं कर पा रही है पुलिस। तो जींद में यह मामला सामने आया है, नाबालिग का अर्तनग्न हालत में यह शव मिला है, जिससे हड़कंप मच गया। हालांकि अभी आशंका जरूर जताई जा रही है कि शायद इसके साथ दुष्कर्म हुआ है। मामले की पड़ताल के बाद ही अभी खुलकर सामने आ पाएगा, लेकिन जनता टीवी के सवाल बरकरार हैं। आप देखिए रिपोर्ट और जानते हैं इसमें कि आखिर क्या हुआ था उस मासूम के साथ। बीजेपी ने जिस हरियाणा से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम की शुरुआत की थी, आज उसी प्रदेश में बेटियां सुरक्षित नहीं है, अपराध तांडव कर रहा है, खाकी पर सवाल या निशान लग रहे हैं और सरकार शायद चाहकर भी अपराध पर नकेल नहीं कस पा रही है। आलम यह है कि बेखौफ बदमाश प्रदेश में हत्या और दुष्कर्म की घटनाओं का अंजाम दे रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है जींद के सफेदों से, जहाँ 14 वर्षीय लड़की का संदिग्ध हालत में मिला शव, अर्धनग्न हालत में मिला शव, नाबालिग से दुष्कर्म की आशंका, गांव बूढ़ा खेड़ा का मामला, मृतका के शरीर पर चोट के निशान। ये डेड बॉडी है, अनजान है, गांव किसे तो है नहीं, कहीं पीछे से आई होगी या क्या पता कहां से है। फिलहाल तो इसका कोई निश्चित वो नहीं है। गांव के अंदर मुनियादी करवा दी गई है और सबको जिसको भी ये लगेगा कि पहचान कर सकता उसको बुला लिया गया है यहाँ आसपास के हचरियों से। आशंका जताई जा रही है कि युवती की हत्या कर शव को नहर की पटरी पर फेंका गया है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मामला बूढ़े खेड़ा भी लिए कब्जा के पास। क्या मिला ये? लाश मिली लावरिस है लड़की की। कितनी उम्र है? 14-15 साल। अब पोस्टमार्टम के बाद पता लगेगा इसका, बोर्ड द्वारा करवाया जाएगा। इस घटना से चार दिन पहले भी जींद के गांव घोघड़िया में बाजूकटी महिला का लावारिस शव मिला था। सूबे की सरकार ढिंढोरा पीटती है कि हरियाणा में क्राइम ग्राफ कम हुआ है, लेकिन लगातार प्रदेश में बढ़ रहे अपराध और अपराधियों के बुलंद हौसले सरकार के तमाम दावों की धज्जियां उड़ाने के लिए काफी है। इन हालातों को देखकर मन गुस्से से भर उठता है कि क्या सूबे में यही है कानून व्यवस्था? कहाँ है कानून के रखवाले और क्यों प्रदेश में सुरक्षित नहीं है बेटियां? जनता टीवी के लिए सफेदों से सत्यदेव और जींद से राजकुमार गोयल की रिपोर्ट। तो ये मामला यहाँ पर सामने जरूर आया है, लेकिन सवाल यहाँ पर फिर से खड़े हो गए हैं कि वाकई में क्या प्रदेश में, क्या हमारे समाज में बेटियां वाकई में सुरक्षित है। ज्यादा जानकारी के साथ जींद से राजकुमार संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, सत्यदेव सफीदों से हमारे साथ जुड़ गए हैं। और सबसे पहले राजकुमार आपके पास आना चाहूंगी, ये मामला काफी जो सामने आया है उसने एक बार फिर से महिला सुरक्षा के दावों की पोल खोल के रख दी है। एक नाबालिग के साथ इतना बेरहमी से जो इसके साथ वारदात को अंजाम दिया गया है, अब फिलहाल क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? ये देखिए, प्रदेश सरकार बड़े सुरक्षा के दावे करती है लड़कियों के,
और कितनी लड़कियों की सुरक्षा है ये इस केस के बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा है। जींद का बूढ़ाखेड़ा गांव है, यहाँ बूढ़ाखेड़ा के पास जो छोटा दरवाजा निकलता है, छोटी माइनर निकलती है, उस माइनर के पास ये लड़की का शव मिला है। आते जाते राहगीरों ने जब इस शव को देखा तो सूचना पुलिस को दी और पुलिस को सूचना देने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। आसपास के गांव के लोगों ने पहचानने की कोशिश की लेकिन लड़की की कोई पहचान नहीं हो पाई है। ये गांव उस बूढ़ाखेड़ा गांव की कोई लड़की नहीं है, गांव के लोगों ने पहचान लिया है लेकिन तो पहचान इस लड़की की अभी तक नहीं हो पाई है। उधर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जींद के सामान्य अस्पताल में लेकर आई है और फिलहाल शिनाख्त के लिए डेड बॉडी को जींद के सामान्य अस्पताल में रख दिया गया है। 72 घंटे तक इस डेड बॉडी को यहाँ रखा जाएगा ताकि इसकी शिनाख्त हो सके। और जो ये डेड बॉडी है करीबन 14-15 साल की लड़की की डेड बॉडी दिखाई दे रही है और काफी चोट के निशान इस शव पर दिखाई दे रहे हैं। लगता है कि बेरहमी से इसकी कहीं ना कहीं हत्या की गई है और इसके अलावा इस लड़की के साथ क्या घटना घटी है इस पर इस बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और जांच करने के बाद ही सामने आ पाएगा कि आखिर ये लड़की कौन है और इस लड़की की हत्या क्यों की गई और हत्या करने से पहले क्या इसके साथ कोई दरिंदगी तो नहीं चली गई। इस प्रकार के सारे अनसुलझे सवाल पुलिस के सामने खड़े हैं। पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। जांच के बाद ही पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा कि आखिर ये लड़की कौन है और क्यों इस लड़की की इतनी बेरहमी से हत्या कर दी। बिल्कुल राजकुमार, बने रहिए आप हमारे साथ। सत्यदेव आपके पास जाना चाहूंगी, ये जो मामला सामने आया है कई मायनों में एक बार फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्या वाकई में प्रदेश में जो बच्चियां हैं वो सुरक्षित में है या नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि इन नए साल की अगर बात की जाए, इस साल की अगर शुरुआती दौर से बात की जाए तो अभी भी लगता नहीं है कि प्रदेश में जो बच्चियां हैं, जो महिलाएं हैं वो सुरक्षित हैं। हाँ बिल्कुल, इस बात से कहीं इनकार नहीं किया जा रहा है कि इस प्रकार के जो क्राइम है वो काफी बढ़ रहे हैं। अगर आज वाले मामले की बात लें तो अब जैसे जैसे मामले की जांच बढ़ रही है मामला कुछ काफी बड़ा आगे निकलता हुआ आ रहा है क्योंकि लड़की के साथ दुष्कर्म ही नहीं, अभी तक जिस प्रकार से प्रत्यक्षदर्शियों ने हमें बताया लड़की के साथ निर्भया जैसा कांड हुआ है क्योंकि जिन लोगों ने देखा उन्होंने इसी प्रकार से बताया कि लड़की के साथ कुछ ज्यादा ही ज्यादती की गई थी और उसके बाद उसकी हत्या की गई है। और इसमें एक बड़ी बात भी सामने निकल के आ रही है कि प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं कि उसके गले में जो ताबीज था उसमें भगवान रविदास की जो है एक फोटो लगी हुई थी। तो कम से कम अब इस बात को ये तो लेकर के माना ही जा सकता है कि जो लड़की है दलित परिवार से है और उसके उसके साथ इस प्रकार का जघन्य अपराध हुआ है। हालांकि इस पूरे मामले में अगर हम पुलिस की बात करें तो काफी तत्परता पुलिस के द्वारा बरती जा रही है। रात भर से ही पहले डीएसपी के द्वारा मौके का बने रही है, सत्यदेव आप हमारे साथ, रेणु भाटिया जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, बीजेपी प्रवक्ता है। रेणु भाटिया जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी शुक्रिया। रेणु भाटिया जी, जींद में मामला सामने आया है, नाबालिग बच्ची का एक शव मिला है अर्धनग हालत में, हालांकि अभी तक पूरी तरीके से तो पुष्टि नहीं हुई है दुष्कर्म की, लेकिन सवाल यहां पर फिर वही घूम के आ जाता है, प्रदेश में पहले भी बेटियों की सुरक्षा को लेकर, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल उठते रहे हैं, कई बार शो में आपसे भी बात हुई है, एक बार फिर मैं वही सवाल पूछूंगी कि मैम वाकई में प्रदेश में महिलाएं, बेटियां, बच्चियां सुरक्षित हैं? इस ये जो मामला अब सामने आया एक बार फिर सवाल उठाने के लिए मजबूर कर दिया है ऐसी घटनाओं ने। देखिए ऐसा है कि जितनी भी बच्चियों के साथ इस तरह के दुष्कर्म हो रहे हैं जी वो बहुत ही निंदनीय है क्योंकि जितनी भी हम कानून व्यवस्था को सख्त करते हैं अपराध और भी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। मुझे लगता है कोई स्पेशल एक ऐसा प्रोग्राम हमें करना होगा जिसके लिए जिस व्यक्ति ने ऐसा करा है, जिस तरह जिस प्रकार की उसने मृत्यु उस बच्ची को दी है उसी प्रकार की सजा उस व्यक्ति को दी जाए जिसने ये घिनौना अपराध किया है। जी बहुत शर्मनाक है कि आज भी अभी मुझे जो बात कर रहे थे वो बता रहे थे उसके गले में दलित परिवार का होने का एक वो ताबीज मिला है। मैं ये कहती हूँ कि वो किसी भी परिवार की बच्ची हो, चाहे किसी भी घराने की हो, किसी भी जाति की हो, किसी भी वर्ण की हो, ये दुष्कर्म तो जिस बच्ची के साथ भी होगा वो घिनौने, और बहुत कड़ी निंदा इसकी करती हूँ मैं और अफसोस जताती हूँ कि आज भी हमारा पुरुष प्रधान समाज इसी बात को लेकर इसी तरह की घिनौने। बिल्कुल रेणु भाटिया जी आपके पास लौटेंगे। प्रतिभा सुमन जी हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रतिभा सुमन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ नमस्कार जी। प्रतिभा सुमन जी, ये मामला जींद में सामने आया है, एक अर्धनग्न हालत में एक नाबालिग का शव मिला है, आशंका दुष्कर्म की जताई जा रही है, लेकिन फिर वही सवाल मैं आपसे भी पूछूंगी कि वाकई में प्रदेश में बच्चियां, बेटियां, महिलाएं सुरक्षित हैं? क्या वाकई में प्रदेश में अपराध का ग्राफ आपकी आवाज कम आ रही है मेरे पास? आपकी आवाज कम आ रही है प्रतिभा जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है जी?
प्रतिभा जी, जींद में मामला सामने आया है, एक नाबालिग बच्ची जिसके साथ दुष्कर्म की आशंका भी जताई जा रही है, लेकिन सवाल वही है कि महिला सुरक्षा के नाम पर सिर्फ ढिंडोरे पीटे जाते हैं, लेकिन फिर कोई नन्ही, फिर कोई एक नाबालिग बच्ची के साथ इस तरीके की वारदात, शर्मनाक है या नहीं? महिला सुरक्षा के लिए कोई कदम उठाने की कब जरूरत पड़ेगी, कब जरूरत महसूस पड़ेगी प्रदेश में? जी जी, ऐसा है, इस जिस तरह की आप घटना बता रही हैं उसकी महिला हरियाणा राज्य महिला आयोग की घोर निंदा करता है जी। और इसमें वो चाहे किसी भी परिवार की हो, बेटी तो बेटी ही है, बिल्कुल वो हमारी भी बेटी है, लेकिन इस तरह से जो घटनाएं हमारे सामने आती हैं उसमें जो ये छोटी सोच की निशानी है, इस तरह के जो अपराध किए जा रहे हैं उसके ऊपर लगाम लगाना बहुत जरूरी है। और नियम वगैरह तो देखो सरकार अपनी तरफ से पूरा प्रयास करती है, लेकिन हम आम जनता का भी उसमें सहयोग होना चाहिए। अगर हमारा सबका सहयोग होगा तो इसमें हमारी बेटियों के ऊपर हो रहे अपराध पर लगाम लगा सकते हैं। अकेली सरकार के ऊपर अगर हम सब कुछ सरकार पे ही छोड़ देंगे तो इस तरह से हमारी बेटियों की सुरक्षा नहीं हो सकती। अब जींद की आप घटना बता रही हैं, हमारे आयोग कमीशन की 9 तारीख को मीटिंग थी, तो उसमें हमने ये कदम अपनी बहन बेटियों के लिए, जो 15 साल तक की बच्चियां हैं उनकी सुरक्षा के लिए मांग की है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश के अंदर सरकार ने 12 साल की बच्चियों तक के अगर इस तरह की घटनाएं सामने आएंगी तो उनको उम्र कैद या मृत्युदंड दिया जाना चाहिए, तो हमारे आयोग की तरफ से भी सरकार के पास यही प्रस्ताव गया है कि जो मध्य प्रदेश सरकार ने किया है वो हरियाणा सरकार भी करे ताकि इन अपराधों पे लगाम लगाई जा सके। रेणु भाटिया जी, जैसा कि प्रतिभा सुमन जी बोल रही है, जैसा मध्य प्रदेश सरकार ने किया उसी तर्ज पर इस तरीके का कोई कैंपेनिंग शुरू की जानी चाहिए, क्या शुरू की जाएगी और कब? देखिए बिल्कुल, मेरी अध्यक्षा ने ये बात कह दी है तो डेफिनेटली इस चीज को हम अंजाम देने की पूरा प्रयत्न करेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ने कड़ा कदम उठाया है और बेटियों की सुरक्षा के लिए कोई भी कड़ा कदम जहां पर भी जिस तरह का भी उठाना पड़ेगा हम लोग उठाएंगे, क्योंकि हम बच्चियों की सुरक्षा करने की बात करते हैं, बच्चियों का जीवन दान देने की बात करते हैं, न कि उनके साथ हम किसी को भी इस तरह के घिनौने अपराध करने की छूट देंगे। लेकिन रेणु भाटिया जी, आपको नहीं लगता कि ये शायद चीजें पहले भी होनी चाहिए थी? इतने साल हो गए हैं सरकार को, मनोहर सरकार को, जिस प्रदेश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे दिए जाते हैं सरकार पर, पूरी बात हम नहीं करें कि सरकार की जिम्मेदारी है कि प्रदेश के हर महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की जाए, महिला थाने खोले गए हैं, ठीक है मानते हैं हम इस बात को, लेकिन क्या इस कैंपेन की, इस तरीके की कैंपेन की शुरुआत शायद पहले नहीं की जानी चाहिए थी ताकि उकलाना में नन्ही के साथ वो वारदात नहीं होती और आज इस नाबालिग बच्ची के साथ इस तरीके की वारदात नहीं होती? आपको नहीं लगता कुछ कड़े कदम पहले सरकार को उठाने चाहिए थे? देखिए ऐसे है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, अगर आप 3 वर्षों की बात करें, उससे पहले क्या हो रहा था, सरकार क्या कर रही थी, उससे पहले महिला आयोग क्या कर रहा था, मुझे इस पर चर्चा नहीं करनी क्योंकि अलग विषय हो जाएगा, परंतु जब से हमारी सरकार आई है और महिला आयोग को मात्र हमारे 3 या 4 महीने हुए हैं, परंतु आप अगर कार्रवाई देखेंगे महिला आयोग की, प्रतिभा सुमन जी जिस प्रकार से जगह जगह जाकर अपना सर्वे कर रही है और देख रही है और पूरी जांच कर रही है, ये एक डिफरेंट कदम है जो उठाया गया और हमारी सरकार इन विषयों पर बहुत गंभीर है। आप देखें महिला थाने का प्रपोजल हमारी सरकार का था, बहुत ही जल्द 1000 महिला पुलिस कर्मी और भर्ती हो जाएंगी। लेकिन रेणु भाटिया जी, आप मानती हैं कि पूरी तरीके से जब से बीजेपी की सरकार प्रदेश में बनी है पूरी तरीके से महिलाओं को सुरक्षा मुहैया करवाई गई है, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से मुकम्मल रहा है, आप ये मानती हैं क्या? क्योंकि एनसीआरबी की रिपोर्ट तो कुछ और ही कहती है मैम। देखिए एनसीआरबी की रिपोर्ट का भी बीच में विषय आया था कि इसका सर्वे जो आया है उसको किस तरह से आकलन उसका करना चाहिए, परंतु देखिए कि आज किसी भी महिला के साथ कुछ छेड़छाड़ भी होती है, घिनौना अपराध तो वाकई शर्मिंदगी की बात है, लेकिन अगर उसके साथ कोई बुरा बर्ताव भी करता है तो आज महिला सक्षम हो गई है, उसमें हिम्मत आ गई है, उसमें जागृति आ गई है अपनी बात को रखने के लिए। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि इस सरकार ने एक प्रोत्साहन का एक प्लेटफॉर्म दिया, एक महिला थाने जैसा प्लेटफॉर्म, महिला आयोग का जो हमारी सरकार ने स्थापित किया, इन्होंने हमारे मेंबर्स जिले जिले में जाकर वहाँ की बहनों से उनकी बात पूछते हैं, तो और हमारे को इतना पत्राचार आ रहा है, इतने लेटर्स मेल व्हाट्सएप आते हैं अपनी बात बताने के लिए, तो मुझे लगता है ये उनके अंदर एक जागृति जो उत्पन्न हुई है इससे भी रोक लगने का एक बहुत बड़ा
जो है एग्जाम्पल हमारे सामने। तो जिस कैंपेन की शुरुआत करने की बात यहाँ पर की जा रही है प्रतिभा सुमन जी, इस मामले की अगर बात की जाए तो क्या अब ये समझा जाए कि कम से कम मध्य प्रदेश वाले जिस कैंपेन की आप बात कर रही हो प्रदेश में शुरू किया जाएगा, ताकि कम से कम अगले प्रोग्राम में या कभी इस तरीके की वारदात जब होती है तो आप यही बात को ना दोहराए और उस समय ये कहा जाए वाकई में प्रदेश सरकार भी सिर उठा के कहे कि हमारे राज्य में बेटियां जो है प्रदेश की वो सिर उठा के घर के बाहर निकल सकती है, इस तरीके की कोई वारदात नहीं होगी प्रदेश में। चलिए लगता है उनका फोन जो है वो कट हो गया है। रेणु भाटिया जी, यही सवाल मैं आपसे भी दोहराऊंगी कि वाकई में अब क्या उम्मीद की जाए कि इस तरीके की वारदात जो है कम से कम वो ना हो, बेटियां अपने आप को महफूज महसूस करें। कोई कैंपेन की आप बात कह रही थी, मध्य प्रदेश की कैंपेन की भी बात उन्होंने कही थी, जल्द शुरू करवाया जाएगा मैम, इसका कुछ ब्लू प्रिंट तैयार किया जाएगा कम से कम। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है कि जो हमारी 9 तारीख को बैठक थी उसमें बहुत सारे विषयों पर चर्चा हुई। हमने ये भी देखा कि किस किस क्षेत्र में इस तरह के कैंपेन चलाए जा रहे हैं, किस राज्य में कौन सी डिफरेंट गतिविधि है जिससे महिलाओं के प्रति सुरक्षा की बात हो सके या जागृति आ सके। तो ऐसा नहीं है, हम लोग ऐसी सरकार है जो जहां का भी अच्छा कार्य है, चाहे वहां पर किसी की भी सरकार हो, उस कार्य को अपनाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए मध्य प्रदेश सरकार से महिला आयोग से भी इसके ऊपर डिस्कशन बहुत जल्द होने वाला है कि उनके किस तरह के कार्य शैली इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट लेकर चल रही है, उसमें हम और क्या बेहतरी कर सकते हैं, बेहतर क्या चेंजेस ला सकते हैं इसके ऊपर। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बतौर महिला होने के नाते भी मैं उम्मीद करूंगी मैम कि आप इस मुद्दे को गंभीरता से आप लोग लेंगे और इसकी जो बात है, इसकी जो उम्मीद है, ये इस कैंपेन को शुरुआत जो है इसकी की जाए वो पुरजोर तरीके से की जाएगी, ताकि फिर कोई नन्ही या फिर कोई नाबालिग बच्ची की इस तरीके से बेरहमी से हत्या ना कर दी जाए, उसके साथ इस तरीके की घिनौनी वारदात को ना अंजाम दिया जाए। लेकिन सवाल घूम फिर के वही आ जाता है कि क्या प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, काफी महत्वपूर्ण सवाल है। ये मामला भी सामने जरूर आया लेकिन सवाल इसने जरूर उठा दिए हैं कि क्या वाकई में प्रदेश में जो महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, जो नाबालिग बच्चियां हैं खासकर, उनकी सुरक्षा किसके जिम्मे है और आखिर पुलिस व्यवस्था, कई बार ऐसा देखा जाता है, हर बार नहीं कह सकते लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि पुलिस की ढिलाई की वजह से भी कुछ जो वारदातें जिन्हें रोका जा सकता है वो हो जाती है। अब ऐसे में कौन इसकी जिम्मेदारी तय करेगा, आखिर कौन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारे देने वाली सरकार की क्या कुछ जिम्मेदारी है, वो काफी बड़ा सवाल है। लेकिन जवाब जो है वो सरकार को भी देना पड़ेगा, जवाब जो है वो प्रदेश की जनता पूछ रही है, इसीलिए पूरा जिम्मा बनता है कि सरकार को इस बात का जवाब देना चाहिए। बढ़ेंगे आगे।